और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा कर। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बोलवाएं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने किस तरह से, सोचिए, इस देश में पिछले 10 सालों से कौन लोग लड़ रहे हैं? शर्जिल इमाम, उमर खालिद, खालिद सैफी जो जेल में है आज भी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सिर्फ ईडी का नोटिस आया, पूरी पार्टी सड़कों पर निकल गई, एक दर्जन से ज्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। शर्जिल इमाम किसी पार्टी में नहीं थे, लेकिन खालिद सैफी लेफ्ट में था। उमर खालिद, खालिद सैफी इंडिया अगेंस्ट हेट के नेता थे। आरजेडी में एक युवा नेता जो दिल्ली में थे, वो जेलों में बंद है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। हजारों एससी एसटी ओबीसी के लोग जेल में बंद है, पोस्ट लिखने को लेकर, सोशल मूवमेंट को लेकर, जो बीजेपी से सवाल पूछ रहे थे। लेकिन सोचिए, चुनाव आते आते रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा और साक्षी जोशी आपके पत्रकार हो गए, ये वो लोग जो बीजेपी के, जो नरेंद्र मोदी जी के साथ तब तक थे जब तक इनकी नौकरी नहीं गई थी, और ये लोग 2019 तक बीजेपी के साथ थे। 2023 तक आते आते जब इनको लगा कि हवा बदल रही है, तो कांग्रेस के मुंह भी खून लग गया। और सोचिए, जिस नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट किया, गठबंधन की राजनीति को एकजुट किया, जमाया, कांग्रेस उसको अब खत्म कर रही है। सोचिए, वो कौन लोग हैं, मुस्लिम समाज के दिमाग में डाला गया कि भैया सपा, बसपा और ओवैसी जो हैं वो बी टीम हैं। आजम खान को सजा हो गई, किस कांग्रेसी नेता की सदस्यता गई है बताइए? पिछले 10 साल में कौन सा कांग्रेसी नेता जेल में गया? जेल में कौन गया? संजय सिंह। जेल में कौन है? मनीष सिसोदिया। सबसे ज्यादा कार्यकर्ता पर किस पर एफआईआर हुआ है? और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं बीजेपी से लड़ रहा हूं। सोचिए, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को एक किया, और कांग्रेस को चुनाव किसने जिताया? राहुल गांधी कह रहे हैं मैंने जिताया है। तो खड़गे क्या कर रहे हैं? आप तो 5 साल थे अध्यक्ष, 2019 में कांग्रेस चुनाव लड़ी थी तो राहुल गांधी अध्यक्ष थे। क्या हुआ कांग्रेस का? 42 सीटों पर आ गए। हिमाचल जब जीती कांग्रेस तो अध्यक्ष कौन था? कर्नाटक जीती तो अध्यक्ष कौन था? लेकिन अब क्रेडिट खड़गे को नहीं दिया जा रहा है। कौन लड़ रहा है कांग्रेस से? कर्नाटक किसने जिताया? मैं राहुल गांधी का बयान सुनाऊंगा, उसके बाद विश्लेषण करूंगा। लेकिन सबसे पहले अखिलेश यादव के कुछ वीडियो, मैंने कहा था ना, मैं हमेशा बहुजन हितों की बात करता रहूंगा। सोचिए, जो काम कांग्रेस कर रही थी वही काम बीजेपी कर रही है, और ये दोनों की सेटिंग गेटिंग है। सबसे बड़ी बी टीम है अखिलेश, राहुल गांधी कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। खुद राहुल गांधी ने जो कहा है, अखिलेश यादव ने जो खुलासा किया है, वो चौंकाने वाला है। और सोचिए, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा जो कल तक कह रहा था कि ये बी टीम है। और सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि क्या आप उम्मीद कर सकते कि इस तरह के हालात होंगे? मध्य प्रदेश में हिंदुत्ववादी राजनीति पर आगे बढ़ रही है बीजेपी, एक मुस्लिम समाज को टिकट दिया उसने। एक ये देखिए, रोहित लोधी राजपूत पूछ रहे हैं कि आपको खर्चा आने लगा। अरे नहीं सर, कितने लोधी समाज को टिकट मिला है मध्य प्रदेश में ये बताइए। मैं तो जाति जनगणना का पक्षधर आदमी हूं। पहले अखिलेश यादव का वो वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि समाज को जागरूक करना कितना जरूरी है। और सोचिए, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अखिलेश यादव जी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। यदि भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन कर दे, तो क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बिना सर समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी? कभी नहीं करेगी। तो सोचिए, जिस कांग्रेस के पास दांत खोदने के लिए सीट नहीं है यूपी में, बिहार में, उसको सीट चाहिए। ये देखिए, ये वीडियो सुनिए आप, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल वीडियो है आज अखिलेश यादव का, वो मैं आपको सुना रहा हूं। बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे, इसीलिए जिस अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे, इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री हो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई,
किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहां कहां जीते हैं, कभी एक जीते, कभी दो जीते, कभी पांच जीते, और किस जगह हम नंबर दो पे रहे, पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा, तो उसमें विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। तो सोचिए 80 सीटें हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी सारी सीटें जीत ले कांग्रेस, जो उसके बूते की बाहर है, तो भी 80 सीटें डैमेज नहीं कर सकती है बीजेपी को। इसका मतलब है कि यूपी में कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन ना हो और 80 सीटें बीजेपी के पाले में जाए, तो कौन हुआ बीटिंग? इसके आगे बताता हूं। सोचिए कांग्रेस क्या चाहती है, मैं खुद गवा रहा हूं। गुजरात में बीजेपी चुनाव हार रही है लगातार, कांग्रेस लगातार हार रही है, मध्य प्रदेश में 20 साल से हार रही है। मायावती जी ने कहा कि इसराइल का आधा युद्ध है, बंधन सबकी अर्थव्यवस्था पे, बीजेपी से मिले हुए लोग हैं ये, कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बोलवाए, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। अजय राय, सोचिए जो विधानसभा नहीं जीत पाए, अजय राय जो खुद विधानसभा नहीं जीत पाए, वो अजय राय सोचिए कि अखिलेश यादव को कह रहे हैं, वो अजय राय जो अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं, कह रहे हैं कि हम 80 सीटों पर लड़ेंगे, रे आपको अपनी कम्युनिटी का कितना वोट दिलवा पाएंगे? कितने सवर्ण नेता है कांग्रेस में जो अपनी कम्युनिटी का वोट दिलवा सकते हैं? ठाकुर समाज का, ब्राह्मण समाज का, भूमिहार समाज का, कायस्थ समाज का वोट दे, दलित पिछड़ा आदिवासी, ओबीसी महासभा नाराज है, जैस नाराज है, बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, अखिलेश यादव अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी जीतती है तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और कांग्रेस भी टीम है। ठीक कहते हैं बामन मिश्रा, ये देखिए सुनिए और वीडियो। हमें अगर ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर में, दिल्ली के स्तर में जब बात होगी तो की जाएगी, एमपी सीटों पे अगर बात की जाएगी तब देखा जाएगा। अगर मुझे ये पता होता कि प्रदेश स्तर पे कोई गठबंधन नहीं है, वो नहीं हमने स्वीकार कर लिया, इसलिए हमने अपने पार्टी के टिकट घोषित कर दिए, इसमें क्या गलत किया है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे छोटे नेता जो कांग्रेस के हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने छोटे नेताओं से इस तरह के स्टेटमेंट मत दिलवाइए। ये मैंने आपको सुनाया, एक और सुनाना चाहता हूँ। अजय राय जो नए नए अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, वो किस तरह की बात कर रहे हैं, ये देखिए। मुंबई की मीटिंग में थे, इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो, गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इसराइल और गाजा की जिस उनसे पूछे रात को 1 बजे तक, क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया, वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा कर। मायावती जी ने कहा है कि इसराइल और गाजा युद्ध है, बंधन सबकी अर्थव्यवस्था पे, बीजेपी से मिले हुए लोग हैं ये, कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। अब सोचिए कि पिछले 10 सालों में जब से बीजेपी है, एक कांग्रेस नेता जेल गया हो तो बता दीजिए, बीजेपी किसको जेल डाल रही है? मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी, संजय सिंह आम आदमी पार्टी, तो लड़ कौन रहा है? उमर खालिद, खालिद सैफी, मीरान हैदर, और हजारों बहुजन युवा जेल में है, जिनको इसलिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो लोग सोशल को चेंज कर रहे थे। मध्य प्रदेश में जमीनी लड़ाई किसने तैयार की? ओबीसी महासभा ने, जैस ने, चंद्रशेखर आजाद ने और बीएसपी ने। कांग्रेस की किस नेता ने किस दलित पिछड़े आदिवासी की हत्या पर रैली धरना प्रदर्शन किया, ये मुझे आप बता दीजिए तो मैं मान लूंगा।
कांग्रेस के नेता निकले जब सोनिया गांधी को ईडी ने बुलाया, राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया। सोचिए, राहुल गांधी को दोस्त भारत जोड़ो यात्रा चला रहे थे। किसी उमर खालिद, खालिद सैफी, मीरान हैदर के लिए इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा नहीं की, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी से कहीं ज्यादा घाघ है ये कांग्रेस। सोचिए, खुद आप कल्पना कीजिए, मैं एक वीडियो सुना रहा हूं, खुद खड़गे जी के कंधे पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? खड़गे जी। आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के अलावा एक भी सवर्ण पत्रकार के मुंह से आपने खड़गे का नाम सुना है? ये सुनिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी, कांग्रेस ने बीजेपी से भी कम टिकट दिया है एससी एसटी ओबीसी को। ये सुनिए, ये क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। सोचिए, नाखून कटाकर इसी को कहते हैं शहीद बनना। कितने भारत, कितने उमर खालिद के लिए राहुल गांधी कब बोले, खालिद सैफी के लिए कब बोले? इस दे यूपी में सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के लोगों पर अत्याचार हुआ, आजम खान के लिए एक ट्वीट नहीं आया। इनके कार्यकर्ता, इनके नेता, सोचिए, खड़गे जी के कंधे पर बंदूक रख के राहुल गांधी जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे एक चुनाव कांग्रेस नहीं जीत रही थी, गुजरात हार गई थी। अब सोचिए, जब राहुल गांधी खड़गे राष्ट्र अध्यक्ष बने, उसके बाद कर्नाटक जीते, हिमाचल जीते, लेकिन आज भी खड़गे हाशिए पर हैं। और मध्य प्रदेश में सोचिए, सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उसके बाद दलित पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर हो रहा है, राहुल गांधी नहीं बोलते हैं। और सोचिए, जो नीतीश कुमार, जिसने इंडिया गठबंधन की नींव रखी और खड़गे साहब की वजह से गठबंधन बन रहा था, एक भी कांग्रेस का सवर्ण नेता इस गठबंधन के पक्ष में नहीं है। वो चाहते हैं कि या तो बीजेपी जीत जाए या फिर हम जीते। कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, सपा, बसपा, जेडीयू, आरजेडी, सोचिए आप हिसाब लगाइए कैसे बीजेपी की बीजेपी बी टीम, कांग्रेस बी टीम है। 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जो 150 सीटें जीतेगा वो भी सरकार चला सकता है, लेकिन कांग्रेस को 230 पर लड़ना है। वहां बीएसपी को नहीं गठबंधन में रखना है, सपा से नहीं गठबंधन करना है, ट्राइबल पार्टी से नहीं गठबंधन करना है, ओबीसी महासभा को सीट नहीं देना है, मतलब दलित, पिछड़ा, आदिवासी, इनको खाली वोट दे और विधायक, एमएलए, एमपी बनेंगे इनके सवर्ण दोस्त। किस बात का जाति जनगणना भाई साहब, किस बात का सोशल जस्टिस, वोट हमारा राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा। राजस्थान में भी यही कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी यही कर रहे हैं। ये सिर्फ ये क्या मतलब, मैं इसलिए कह रहा हूं बहुजन समाज को बहुत सोच समझकर बहुजन लीडरशिप की तरफ बढ़ना चाहिए। और कांग्रेस ने अपना चाल चरित्र और चेहरा बहुत जल्दी एक्सपोज कर दिया। सोचिए, जैसे ही सत्ता का खून इनके मुंह में लगा, इनका असली चाल चरित्र चेहरा आ गया। राहुल गांधी के वजह से
आज आजम खान के बेटे की सदस्यता चली गई। राहुल गांधी की वजह से लालू यादव संसद नहीं आ सकते हैं, यही राहुल गांधी बिल फाड़ने वाले हैं। महिला आरक्षण में एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं दिया, कांग्रेस की सरकार थी तो इसी ने जाति जनगणना नहीं करवाया। अब नीतीश कुमार का किया धरा काम, जो नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक काम किया है जाति जनगणना का, लालू यादव तेजस्वी यादव ने किया है, उसका फसल यह आदमी काट रहा है। एक भी मुस्लिम युवा की, एक मध्य प्रदेश में मुसलमान को ठीकर दिया है, एक भी मुस्लिम युवाओं की गिरफ्तारी होती रही। बताइए, शख्स अगर घर से निकला हो, खालिद उमर खालिद का घर जानता हो, खालिद से ये कहां जाता है ड्रामा करने, मोटर मैकेनिक के यहां, ट्रक पर चलते हैं, कूली वाले का। लालू यादव ने कूलियों को नौकरी दी जब वो रेल मंत्री थे। एक भी पीड़ित परिवार के शख्स से नहीं मिलता है। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी थोड़ा बहुत जो कांग्रेस में बदलाव हुआ था वो खड़गे की वजह से हुआ था और राहुल गांधी ने उसको मिट्टी पलीत कर दिया है। सोचिए जो पार्टी गठबंधन नहीं कर सकती है, सोचिए जो पार्टी एससी एसटी ओबीसी, चाहे सपा हो बसपा हो आरजेडी हो, और इसको यूपी में सीट चाहिए, बिहार में सीट चाहिए, झारखंड में सीट चाहिए, लेकिन ये मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात जहां जहां ये है वहां नहीं चाहिए। सोचिए, अब तो देवगौड़ा साहब ने कह दिया है कि कांग्रेस ने मुझे नीतीश कुमार गठबंधन में चाहते थे, नहीं हुआ, देवगौड़ा ने कह दिया है। उसके बाद प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस मुझे नहीं रखना चाहती है। अखिलेश यादव ने अब कह दिया, मायावती जी तो पहले से कह रही थी। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग बताइए क्या बीजेपी की राय है ये। बीजेपी के सवर्ण नेताओं से जब बात कीजिएगा तो वो कहते हैं कि या तो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, अगर कांग्रेस नहीं आएगी तो बीजेपी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये राय है कांग्रेस पार्टी के सवर्ण नेताओं की। सोचिए, वोट 90% दलित पिछड़े आदिवासियों का, टिकट दिया जा रहा है सवर्णों का। ये है कांग्रेस का सोशल जस्टिस। एक भी मुस्लिम युवाओं की गिरफ्तारी में इन लोगों ने धरना प्रदर्शन नहीं किया, ना उसके परिवार से मिले, जाके पता कीजिए। और दलित पिछड़े आदिवासी रोज लड़ रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं। आप लड़ रहे हैं तो खड़गे को क्यों अध्यक्ष बना दिए? खड़गे साहब क्या कर रहे हैं फिर? समझिए, जो अपने पार्टी के अध्यक्ष का नाम नहीं लेता हो, जो नेता अपने पार्टी अध्यक्ष को क्रेडिट नहीं देता हो, सारा फैसला राजस्थान में खड़गे नहीं कर रहे हैं, सारा फैसला दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कर रहे हैं। जो पार्टी अपने अध्यक्ष का ना हो, वो उस समाज का क्या हो जाएगा? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।